लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज के बुलेटिन का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा अर्धसैनिक बल के ठहरने वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में चुनाव कराने हेतु आने वाले अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, होमगार्ड्स के ठहरने वाले स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में सकुशल निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु आने वाले अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, होमगार्ड्स के ठहरने वाले चिन्हित स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अर्धसैनिक बल व जनपदों से आने वाले पुलिस बल, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी व होमगार्डों के ठहरने के लिए चिन्हित स्कूल कॉलेजों में किए गए पुलिस प्रबंधों का जायजा लेकर मानक के अनुरूप फोर्स को ठहरने हेतु आवासीय व्यवस्था, पानी, स्नान घर, शौचालय, बिजली आने जाने पर व्यवस्थित व्यवस्था, जनरेटर, इन्वर्टर, साफ सफाई आदि मूलभूत सुविधाओं और उनको सभी को दुरुस्त कराने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा बताया गया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में पांचवें चरण 20 मई को प्रस्तावित निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद में उपलब्ध पुलिस फोर्स के अतिरिक्त 21 कंपनी CAPF कंपनी, एक प्लाटून PAC व जनपद से आने वाले करीब 600 सिविल पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी व करीब 4700 होमगार्ड आदि फोर्स का दिनांक 14 जून 2024 तक जनपद गोंडा में आगमन हो जाएगा, जिसमें अर्धसैनिक बल के ठहरने के लिए कुल 28 स्कूल कॉलेज चिन्हित किए गए हैं व जनपद से आने वाले पुलिस बल के लिए 45 स्कूल कॉलेज व होमगार्ड ठहरने के लिए 28 स्कूल कॉलेज चिन्हित किए गए हैं, जिनका मानक के रूप व्यवस्थाओं का पुलिस अधीक्षक व उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है तथा परिलक्षित कर्मियों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित स्कूल कॉलेज प्रबंधन को निर्देशित किया गया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।